चलिए अब शामिल हो जाते हैं बर्थडे पार्टी में, क्योंकि गौरव एस बजाज ने अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाया। और ये जन्मदिन देख कर ना आप बोलेंगे कि जन्मदिन हो तो ऐसा। गौरव बजाज मना रहे हैं अपने बेटे का पहला बर्थडे। हर माँ बाप के नैना सपनों से भरे होते हैं कि उनकी गुड़िया हो या गुड्डा, उसका पहला जन्मदिन तो बहुत खास होना ही चाहिए। तो कुछ ऐसे ही सिद्धिविनायक के आशीर्वाद लेकर पीआर अंग्रेज की भव्य हवेली की तरह खास आयोजन के साथ अपने बेटे व्योम के बर्थडे को यादगार बना रहे हैं टीवी अभिनेता गौरव एस बजाज। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज मैं यहाँ एक दिन मतलब बहुत जल्दी आप लोगों को व्योम से मिलवाने वाला हूँ, सो मेरा प्रॉमिस मैं पूरा करता हूँ। ये है मेरा व्योम जूनियर बजाज। मैंने एबीपी को प्रॉमिस किया था कुछ महीनों पहले कि सबसे पहले मैं व्योम को आप लोगों तक एबीपी के जरिए पहुंचाऊंगा। ही लव्स डॉग बाय द वे। सो व्योम से हाय। हाय एवरीबॉडी, हेलो। इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया वो एबीपी आपको सास बहु साजिश में आपको अभी देखने को मिलेगा। 11th को हमने इसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो लेट्स हैव द केक सेरेमनी फॉर यू ऑल। देख सकते हैं भाई साहब ये हाथ में आने वालों में से नहीं है। गौरव ने सास बहु और साजिश को प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस आज उन्होंने पूरा कर दिया है। सबसे पहले अपने बेटे की मुंह दिखाई वो सास बहु और साजिश में ही करवाएंगे, यही तो उन्होंने कहा था और ये वादा आज उन्होंने पूरा कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने वो तस्वीरें भी भेजी हैं जिस दिन उनका ये व्योम पैदा हुआ था, उस मौके पर भी उन्होंने केक काटकर अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था। तो मैं जितना बोलूं ये कम है, जो लॉकडाउन की पूरी जर्नी है ये व्योम ने पूरी की है। और जो भागदौड़ बॉम्बे में पिछले 10 साल से इनफैक्ट हो रही थी, वो पूरी की पूरी जो जर्नी है वो फिर से शुरुआत होगी। बिकॉज ये जो ब्रेक मिला था मुझे फैमिली के साथ, ये जो फैमिली के साथ ब्रेक मिला था और जो व्योम के साथ ब्रेक मिला था, इट्स जस्ट वंडरफुल। गौरव का पूरा परिवार इस मौके पर बहुत ही खुश नजर आ रहा है, चाहे गौरव की पत्नी हो या उनकी माँ। बच्चे के पहले बर्थडे का उत्साह इतना है कि हर कोई यहाँ हर लम्हे को यादगार बनाने के लिए तत्पर है। सास बहु और साजिश की ओर से गौरव और उनके परिवार को ढेर सारी बधाई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।